जेडीयू से अलग होकर नई पार्टी बनाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन सरकार की नाकामी को उजागर कर रहे हैं। मुंगेर पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी के एजेंडे को बताते हुए जेडीयू और आरजेडी पर एक साथ हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में जदयू का अस्तित्व पूरी तरह खत्म हो चुका है। जेडीयू को आरजेडी के हवाले कर नीतीश ने जनता की भावना के साथ खिलवाड़ किया है। इस दौरान जेडीयू के कई नेताओं ने उपेंद्र कुशवाहा की नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल की सदस्यता ग्रहण की। सभी लोग देखिए, अब तो जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व ही एक तरह से समाप्त हो गया। वैसी परिस्थिति में जनता दल यूनाइटेड का टिकट लेकर अब कोई चुनाव जीत सके अब सोच भी नहीं सकता है। मुंगेर क्या बाकी जगह एकदम 100% 40 सीट की बात नहीं, बिहार की जनता के दिल से बाहर हो गई पार्टी, क्योंकि बिहार की जनता की भावना के खिलाफ पार्टी चली गई ना। जिन लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ गुलबंद होकर उस पार्टी को मजबूती दी थी, अब राष्ट्रीय जनता दल के हवाले पूरी पार्टी हो गई, तो कैसे लोग उनके साथ जा पाए। मेरा सवाल आपसे है कि लोकसभा का अस्तित्व ही समाप्त हो गया, अब जेडीयू कहाँ। गया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कई कांडों के वांछित नक्सली को एसएसपी ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वांछित कुख्यात नक्सली सूरज देव यादव को गुरुआ थाना क्षेत्र के अखोटरा गांव से गिरफ्तार किया है। एसटीएफ और जिला पुलिस के सहयोग से गिरफ्तारी हुई। इस संबंध में गया एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि कई दिनों से फरार नक्सली के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में गुरुआ थाना क्षेत्र के अखोटरा गाँव से कुख्यात नक्सली सूरज देव यादव को गिरफ्तार किया गया। गया पुलिस के द्वारा लगातार गंभीर मामलों में जो संलिप्त अपराधकर्मी हैं तथा जो फरार नक्सली हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कल डोभी थाना तथा एसटीएफ के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए डोभी थाना कांड संख्या 112/15 जिसमें रोड निर्माण कार्य में लगे हुए जो विभिन्न वाहन थे उनको जला दिया था तथा उसके जो कर्मी थे जो निर्माण कंपनी के उसके कर्मियों के साथ मारपीट की गई थी और ड्राइवर का मोबाइल छीन लिया था और लेवी देने के लिए उसमें निर्देश दिया गया था तथा लेवी नहीं देने के कारण इस प्रकार की घटना कारित की गई थी। तो उसमें संलिप्त अपराध कर्मी जिसका नाम है सूरज देव यादव पेशर किश्नू यादव और जो कि अकोठरा थाना गुरुआ का रहने वाला है उसको गिरफ्तार किया गया है। राजधानी पटना में ग्राम पंचायत मुखिया संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बिहार विधानसभा और राजभवन मार्च किया। कई जिलों से आए सैकड़ों मुखिया प्रतिनिधियों को बेली रोड पर ही पुलिस ने रोका। इस बीच मुखिया प्रतिनिधियों की पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई। हमारे लोग को वेतन जो है से सरकार जो हम वेतन हम लोग को नहीं देता है, बहुत कम भुक्तभोगी हैं, जिसमें हमारे 13 गो मुखिया अभी तक में मृत्यु हो चुका है। इसीलिए हम सरकार को कुंवर वो अपना रखे हुए हैं, सरकारें रखे हुए हैं, हम लोग को फ्री बांध में नहीं छोड़ता है। तो हमारे कहने का मतलब है जो यह बात हम सरकार तक पहुँचाने के लिए चाहते हैं जो हमारे डोंगर जो है मनरेगा में से हम लोग को होना चाहिए सोलर लाइट के लिए। ठेकेदार जो ठेकेदार बहाल कर दिया है जिसमें प्रशासनी हम लोग को मांग रहे हैं, जो उस प्रशासनी से सरकार का कोई लेना देना नहीं है, बशर्ते प्रशासनी हम देंगे और ठेकेदार माल कमाता है। हम लोग सीधा सीधी खड़ा खड़ी हैं तो हम क्यों देंगे, मतलब जो मतलब प्रशासनी प्रशासनी भी वही दे, सरकारें प्रशासनी दे। इसीलिए हम सोलर लाइट का भी मतलब विरोध कर रहे हैं सरकार के साथ।